हेलो गाइस, दिस इज इरेन फ्रॉम dkwebtech.com। फ्रेंड्स, आज के इस कोरेलड्रा के एपिसोड में सीखेंगे कैन ओपी। एक्चुअली कई फ्रेंड्स के कॉल आए, मैसेज आए और कॉल्स भी आए कि सर हमें कैन ओपी कैसे डिज़ाइन करें, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कैन ओपी कैसे डिज़ाइन करें, तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कैन ओपी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कैनोपी, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कैनोपी होता है। और जैसे डिज़ाइन रेडी होगी तो आप खुद समझ जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा रोड के साइड में, ठीक है, बहुत सारे जैसे कि लोग सिम बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, अपना प्रोडक्ट का गुस्सो कराते हैं, तो एक तंबू तान के बैठते हैं फ्रेंड्स, वही कैनोपी होता है। तो चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पे CMYK के और यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन लेते हैं। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे साइज से कोई मैटर नहीं करता, कोई भी साइज ले लीजिए यहाँ पे, हमें एक्चुअली डिजाइन करना है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, कैनोपी जो हमारा साइज होता है, जो हाइट होती है उसकी लगभग 6 फीट चौड़ाई और 7 फीट ऊंचाई होती है। साथ मान लीजिए आदमी होता है और उसके अंदर एक आदमी खड़ा होता है, तो उसी की हाइट की अकॉर्डिंग से हम इसकी ऊंचाई लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 फीट, यानी 7 फीट, एक्चुअली 7 फीट तो ले नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे 7 इंच ले लिया। ठीक है, जब प्रिंट होगा तो जब प्रिंटिंग समय इसको बढ़ा दिया जाएगा इसका साइज। तो अपने आप ये आप याद रखिए फ्रेंड्स, जैसे आप बैनर डिजाइन करते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो आपका जैसे 7x6 है या कुछ भी है, तो आप पूरे फिट में नहीं लेंगे। अगर आपको फिट में प्रिंट निकालना है तो उसको आप इंच में डिजाइन करिएगा, क्योंकि बहुत हैवी फाइल हो जाएगी और आपका सिस्टम भी हैंग कर सकता है, इसलिए हम उसको इंच में डिजाइन करते हैं और प्रिंटिंग के समय उसका साइज इनहेंस कर लेते हैं, उसका साइज बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हम जब भी डिजाइन करते हैं तो छोटी सी फाइल डिजाइन करते हैं और उसको प्रिंटिंग के समय बढ़ाते हैं। तो हमने इसको एक्चुअली 6x7 फीट हमें कैनोपी बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने 6 इसकी ले ली, ये पीछे का आपका बैकग्राउंड है, हमने 6 इसकी चौड़ाई ले ली और 7 इसकी हाइट ले ली। मान लीजिए आदमी की ऊंचाई 7 फीट हुई या 7 फीट से कम ही होती है लगभग, तो उसी के अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे ले लिया। तो अब इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक की ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये करने के बाद में जस्ट हम ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पे और आप देखते होंगे ऊपर का जो साइज होता है वो थोड़ा उतनी रहेगी, बस 1 फीट का होता है। ठीक है, इसको टॉप करेंगे और इसको अभी दूसरा कलर कोई डाल दे रहे हैं, एक्चुअली समझ में आ जाए, हमने कलर कर दिया। जस्ट इसको हम उधर की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका साइज क्या लेंगे हम, इसका जो अगल बगल वाला साइज होता है वो 4 फीट लंबाई का होता है, इससे लेंगे और यहाँ पे टॉप करेंगे तो ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, ये बड़ी वाली डिलीट कर देते हैं, तो नीचे आ जाता है ये। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, इसको भी हम ऐसे किया और इसकी डुप्लीकेट रेडी कर लेते हैं। फिर इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे टॉप किया, टॉप करने के बाद इसको राइट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे इसके बिल्कुल सटीक आ जाएगा। इसको भी हम कर दिया, अब इसमें कलर हम जो डालना वो डाल देते हैं कलर। ठीक है, ये आपका रेडी हो चुका है। सेम हमने इसी को पूरा कॉपी कर लिया और तो ग्रुप कर देंगे अभी और नीचे से सेलेक्ट करेंगे और बी करेंगे तो ये बॉटम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका साइज जो होगा ये रहेगा, बट यहाँ पे जो इसकी हाइट है, आपने देखा होगा कि जो तंबू रोड के किनारे लगे होते हैं उसकी नीचे की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऊपर की कम होती है, तो इसको 2 फिट कर देंगे। 2 फिट करने के बाद में ऐसे किया और बॉटम कर दिया, ऐसे करके आप फ्रेंड्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको डिजाइन करते हैं। मान लीजिए मैं किसी ज्वेलर्स का डिजाइन करने जा रहा हूँ, आप किसी भी ज्वेलर्स का कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी सिम कार्ड का या जो जैसे रोड पे तंबुला के लोग ठीक है ना, तो शो करते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है। और बहुत सारे लोग तंबुला के बाइक्स भी आप देखते होंगे कि रोड के साइड में लगा होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं, हम ज्वेलर्स का बना रहे हैं, तो पहले लोगो रेडी कर लेते हैं। मान लीजिए अपने नाम का बना ले रहे हैं, भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे सब कुछ मैं अपने नाम का बना लेता हूँ, क्यों दूसरे के नाम कष्ट दूं, अपने आप को ही कष्ट दे लेता हूँ, मैं सोचता हूँ इसी वजह से ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं, फॉन्ट साइज कुछ दूसरा लेते हैं, मान लीजिए कि ये ले लिया, ये कैसा रहेगा देखते हैं। ठीक है, इसको रेड करेंगे और इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी
या नीचे वाले को हम दूसरा कलर डाल देते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए, और इन सबको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो हम लोगो रेडी कर लेते हैं, पहले लोगो रेडी करने के लिए ये हमने रेड दे दिया इसको, और इफेक्ट पे आएंगे और बेवल एक्चुअली मेरा ओपन ही है, तो बेवल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सॉफ्ट एज करेंगे, टूश एंटर करेंगे और अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं ये आपका आया रेडी हुआ है, ठीक है, थोड़ी और कम करते हैं, एटीट्यूड ऐसे किया, और मैं राइट क्लिक करके आउटलाइन डालते हैं, आउटलाइन यहाँ पे आने के बाद में आउटलाइन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, पिक्सल ले लेते हैं, यहाँ बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट, ओके, ऐसा आपका आ गया। को माइज कर देते हैं, केंद्र कलर पहले हम ले लेते हैं, कलर्स ओके, आप लोग टेंशन मत लेना कि मैंने ज्वेलरी की दुकान खोल दी है, ठीक है, मैंने ज्वेलरी की दुकान नहीं खोली, एक्चुअली बस आपको सिखाने के पर्पज से मैंने ऐसे ही अपना नाम का लोगो कर दिया, ठीक है, और इसको राइट करेंगे, तो ऐसे करके लोगो रेडी कर लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली। यस, शायद दो वीडियो में रेडी हो पाएगा, तो बड़ा रहेगा ये वीडियो, तो हम दो में रेडी करेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, okay, येलो डाला हमने, येलो कलर फिल किया, ऐसा करते हैं इसको डुप्लीकेट अभी रेडी करेंगे, जस्ट इसके को लाएंगे, हाँ इसकी डुप्लीकेट रेडी करते हैं अभी नहीं, और इस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी डालते हैं और इसको ऐसे करते हैं, देख सकते हैं ऐसे है। अब इसकी डुप्लीकेट रेडी करते हैं, दो तीन चार, ठीक है, चार मैंने रेडी कर ली, और चार रेडी करने के बाद थोड़ा सा इसको ड्रिंक करते हैं ऐसे, कैसा अंदर की ओर, हमने एक ऐसे लोगो रेडी कर लिया, ये आपका लोगो रेडी हो गया, इसको हम क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे, इसको हम ऑफसेट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक लोगो रेडी हो गया है, लोगो को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, इसको हम सेव कर रहे हैं कैनोपी, कैनोपी ओके, कैनोपी कर दिया हमने, सेव कर लेते हैं इसको, बाय चांस कोई प्रॉब्लम होती है। आप फ्रेंड्स इतना करने के बाद में आपको क्या करना, पहले अपने लोगो को सेट कर दीजिए, जहां जहां पे आप इसको सेट करना मन चाहे, हम नीचे भी दिखाना चाहते हैं आप, ओके, हम यहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं, तो हमने तो यहाँ पे कर दिया, तो इसके बाद में हम चाहते हैं हमारा लोगो जो है यहाँ पे भी आ जाए, चारों तरफ लोगों को बिखेर रहे हैं, ठीक है, लोगों को नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है लोग करेंगे और इसको भी कर देंगे, ठीक है, जस्ट इसको भी ऐसे ही करेंगे, लोग हमारे लोगो को देख सके, है ना, लोगो को हमने चारों तरफ लगा दिया फ्रेंड्स, और ठीक है, अब लोगो रेडी करने के बाद में अब कुछ पिक्स भी हमने एक्चुअली ले, अगर आप सीडी बाई करते हैं हमारी, तो
कोरल ड्रा की अगर सीडी बाई करते हैं तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको सीडीआर फाइल भी प्रोवाइड कराएं और ये जो इमेजेस यूज कर रहे हैं ये भी प्रोवाइड कराएंगे। अब जब सीडीआर बाई करते हैं, हमारी डीवीडी बाई करते हैं, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ऐसे भी आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारी इमेज एक बार में ही हम ट्रैक कर लेते हैं, एक बार में सारी इमेज हमने ट्रैक कर ली, बार बार वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, ये करते हैं, ये इसको हमने यहाँ सोच रहे हैं यहाँ पे सेटअप कर दें, ठीक रहेगा। टॉप और लेफ्ट, यस ये बेस्ट रहेगा, ये ऐसे हो गया। डुप्लीकेट रेडी करते हैं और डुप्लीकेट बनाने के बाद में क्या करते हैं, आप ट्रांसपेरेंट देते हैं इसको थोड़ा सा, ऐसे करके को करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और इसको उठा के यहाँ पे सीधा ले आते हैं, यहाँ पे भी टॉप और लेफ्ट करेंगे, ठीक है। इसका साइज छोटा कर देते हैं, फ्रेंड्स आराम से बनाइए, बहुत ही मजा आएगा आपको सीखने में और मुझे सिखाने में। टेंशन भी बिल्कुल लेके मत करी करे, टप कुछ नहीं होता यार, सब इजी होता है, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लेना और सब कुछ हंसते हुए करो, सारी चीजें पॉसिबल है, कोई टप नहीं है। और इसको हमने यहाँ पे दे दिया, इसी तरीके से इसको उठा के यहाँ पे ले आए, सकते हैं आप। इसको हमने क्या किया, ऐसे किया और इसको जस्ट नीचे को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद में फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करिए और इसको नीचे को ड्रैग कर दीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी डाल देंगे थोड़ी सी, ये आप देख सकते हैं। ओ रेडी करने के बाद हम यहाँ पे ये सेव टूल पे क्लिक करेंगे, एक्चुअली हमारा ये बाहर जा रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है फ्रेंड्स, आप माइंड में बिल्कुल रखिए। ये देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने सेव टूल सेलेक्ट किया और अब इसको हम ऊपर की ओर ड्रैग कर रहे हैं, तो अभी देखना आपका जो शैडो है जो मैंने नीचे डाली है, अभी उसमें देखना क्या परिवर्तन होता है, ये ऊपर की ओर सिमट गई, ये काफी बैड है। हम इसको क्या करेंगे, पहले हम सेव टूल इसको ऊपर करने से पहले डिलीट करने पर हम बिट मैप करेंगे, मैप कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ पे 200 रेजोल्यूशन लेते हैं और देन ओके। इसके बाद में सेव टूल पे क्लिक करेंगे, देन हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये सॉरी ये सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ में ऊपर की ओर ले जाएंगे, छोड़ देते हैं। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमेशा याद रखिए ये कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। और ये को हम ऊपर ले आए और जस्ट ऊपर लाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे और दोनों को ऐसे कर लेंगे। इतना रेडी हुआ, अब इतना करने के बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के लिए क्या होगा, सेव टूल का यूज करेंगे या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स का कहने का मतलब है, कहना चाहते हैं कि भाई मुझे एक एक टूल बताओ। अरे भाई आप डोंट वरी, आप मेरे वीडियो देखिए और मैं पूरे ऐसे 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 वीडियो डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपको हर एक प्रोजेक्ट में नए टूल, मतलब मेरा कहने का मतलब आप अगर हमारे सारे वीडियोज देखते हैं तो आपके सारे टूल्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अब आपका कहने का मतलब मैं अब एक एक टूल को डायरेक्टली अलग बताऊं, अब ये सोचिए कि आपको वो चीज यूज करके कैसे यूज करनी है, वो यूज करते हुए बता रहा हूँ तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितने भी टूल्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट में कवर करूं। तो ओके फ्रेंड्स, अब जैसे नाइफ टूल है, अब नाइफ टूल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसे इसको करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ना, को हम अलग करने के लिए कर सकते हैं,
एक्चुअली अलग नहीं हुआ। देखो दो दो प्रकार से यहाँ पे अलग कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे नाइफ टूल से कर सकते हैं, यहाँ पे सेव टूल पे क्लिक करेंगे, नाइफ टूल से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका अलग हो गया, नहीं आपका अलग हो चुका है क्योंकि नाइफ टूल हमने यूज किया था। नाइफ टूल से अलग कर सकते हैं और एक सेव टूल से अलग कर सकते हैं। सेव टूल से कैसे होगा, सेव टूल से भी देख लीजिए, अभी देख लिए, अभी दोनों एक है, टूल से अलग हो सकते हैं। अब सेव टूल से देखिए कैसे अलग करना है, सेव टूल पे क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे आप ड्रैग करते जाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, देख सकते हैं आपका यही बचा ना। आप नाइफ टूल से भी अलग कर सकते हैं और सेव टूल से भी कर सकते हैं, उन्हीं मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब यहाँ पे आइए और इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्लिक कलर डालते हैं, ये दे दिया हमने, एक ही फिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, भी आपका ये अलग हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। काम करते हैं हम इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग बना लेते हैं, बाद में इसको इसी जगह पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कलर पड़ा था, पड़ा रहने दीजिए। अब ये देखिए हम यहाँ पे इसको लाए और को आने के बाद में इसको पेस्ट डाउन कर देते हैं, तो ये अपने आप ऊपर आ जाता है हमारा, ठीक है। इसको ऐसे किया और ऐसे करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल फिर यूज करेंगे, इसको अंदर को ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे किया हमने और इसको यहाँ पे लाएंगे और आप पे निर्भर करता है आपकी कैसी क्रिएटिविटी है, आप कैसे उसको सेट कर रहे हैं। स्टिक को लेंगे और स्टिक यहाँ पे बीच में लगा देंगे, सी और ए करेंगे, या इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि इसको हम ऑब्जेक्ट पे और पावर क्लिप करें और इस इनसाइड को प्रेस कर दिया इसके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिनिश एडिटिंग, और ये देख सकते हैं यहाँ से इनको मटा देते हैं क्योंकि ये काफी भद्दे लग रहे हैं, इनको छोटा आप कर दीजिए, यहाँ से पीछे से मटा ही देते हैं इनको और इनको यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और को क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे और शिफ्ट ई कर देंगे, इसको हम पेस्ट ऑन कर देंगे, तो ये हमारी अपने आप ऊपर आ जाएगी। अब देखिए ये इतना रेडी हुआ फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक और है हमारे पास, इसको हटा के हम क्या करते हैं, इस पिक का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर इस पिक का देखते हैं यहाँ पे, ये सही है, ये ज्यादा टी और ई करेंगे, ठीक है। ये इसको अनग्रुप कर लेते पहले, करेंगे लेफ्ट, करेंगे लेफ्ट करेंगे और बॉटम करेंगे, तो हमारी बैठ जाएगी इसमें हमारी, ठीक है। और ये करने के बाद में इस पिक को लिया और इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना ला के इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट करेंगे और बॉटम करेंगे, यहाँ पे ये सही आ रही है, फुल फिट आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देंगे, यस ये बेस्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे या इसको उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी जगह भी नीचे खाली, एक्चुअली ये नीचे रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका ऊपर का भर चुका है, फिल हो चुका है, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, कुछ मैटर भी दे सकते हैं यहाँ पे। अभी एक्चुअली आपकी डिजाइन रेडी हुई है, अभी कैनोपी भी मैं आपको स्टैंड बना के दिखाऊंगा इसी में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, चूंकि यही वीडियो मेरे ख्याल से काफी लेंथी हो गया है, 19 मिनट का हो गया है, इसी को ये डिजाइन रेडी कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंड बनाएंगे कि कैसे स्टैंड बना सकते हैं कैनोपी का, ठीक है ना जी। तो ये देखिए आप यहाँ पे
हम यहाँ पे एड्रेस देते हैं, यहाँ पे एड्रेस जो है जैसे कि हम यहाँ पे एड्रेस देंगे डायमंड, ओके, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर पे क्लिक करते हैं और डायमंड, ओके, डायमंड के बाद में और जैसे कि हमें सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके, डायमंड, सिल्वर एंड गोल्ड, ये चीजें हमने दे दी। पहले हम कंटेंट टाइप कर लेते हैं जो हमें नीड है जिस चीज की, तो यहाँ पे हम कंटेंट टाइप करने जा रहे हैं, जैसे कि भाई एड्रेस कोई भी दे दीजिए, हमने यहाँ पे दे दिया शुक्लागंज उन्नाव, ओके, उन्नाव 09861, ओके, ये हमने एक एड्रेस दे दिया, ठीक है ना, ये एड्रेस दे दिया। अब हमें इसको ठीक से एडजस्ट करना है, क्या करेंगे, इसको लाए यहाँ पे, और इसको लाने के बाद में हम कंट्रोल के करेंगे जिससे हमारी तीनों चीजें, इसमें कोई फॉन्ट अच्छा से दे देते हैं या फॉन्ट देख लेते, कोई सही मिल रहा है तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसको क्रैक ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद में ऐसे करके आप देख सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं, अलाइन कर देंगे लेफ्ट, तो ये सब इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में हम यहाँ पे कुछ इसके लिए मार्क दे देते हैं, जैसे कि ये दे दिया हमने और इसमें रेड फिल कर दिया कि आउटलाइन रिमूव कर दी हमने, और रिमूव करने के बाद में यहाँ पे फाउंटेन क्लिक किया और ये जस्ट हमने यहाँ पे इलिप्टिकल फाउंटेन क्लिक किया और लाइट रेड ले लेते हैं, है ना जी, राइट लाइट रेड ले लिया और इसको इसके इक्वल करेंगे, देन इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और इसकी भी डुप्लीकेट रेडी कर लेते हैं और इनके इक्वल कर लेते हैं कि भाई इसके सामने जस्ट आए। फ्रेंड्स ऐसे करके हमने ये रेडी किया और इनको कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप कर देते हैं इनको फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है ना, ग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया। अब इसको आप हर जगह पे लगा सकते हैं, यहाँ से उठाया यहाँ पे भी लगा दिया आपने, ठीक है, स्पेस बच रही थी, और इसको यहाँ से उठाया आपने यहाँ पे भी लगा दिया, स्पेस बच रही थी वो फिल हो जाएगी इससे, यहाँ से उठाया इसको यहाँ पे भी आपने एडजस्ट कर दिया, छोटा कर दिया यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एड्रेस दिया उसको यहाँ पे एक जगह पे लगा देते हैं, जैसे इसी में दिखाना है, मान लीजिए, ठीक है, इसको सी कर देंगे, ये इक्वल आ जाएगा ना जी। ये एड्रेस हमने यहाँ पे दिखा दिया, और आप आगे दिखाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप दिखा सकते हैं, ठीक है, आप बस स्वतंत्रता है, आप जहाँ पे अपना एड्रेस दिखाना चाहते हैं वहां दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे कर दिया हमने और अब इतना काफी है एड्रेस, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हमने दिखा दिया है, एक्चुअली थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं आप, यहाँ पे ज्यादा अगर बड़ा हो रहा है तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना, अब छोटा कर दिया हमने। और ये फिर यहाँ से आप एक उठाइए और इसको यहाँ पे भी लगा दीजिए, ठीक है ना, तो बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दीजिए,
ये कैनोपी डिजाइन रेडी हो चुका है। अब इसको हमें एक स्टैंड में दिखाना है फ्रेंड्स, कि एक स्टैंड में कैसे दिखाना है। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमें इसको स्टैंड में कैसे सेटअप करना है। तो इस वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में।